नमस्कार। आज की खास बातचीत में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश का हर नौजवान, हर युवा चाहता है कि वो कुछ करे अपने गांव के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने देश के लिए। इसके लिए हर युवा चाहता है कि अच्छी नौकरी उसे मिले, चाहे वो रेलवे में हो, बैंक में हो, स्टाफ सिलेक्शन में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में वो नौकरी करना चाहता है। नौकरी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसे सही उचित मार्गदर्शक मिलना, और एक मार्गदर्शक कैसे हो और उन्हें कैसे मिलेंगे, ये सवाल होता है जो हर युवा चाहता है कि उनके इन सवालों का उन्हें जवाब मिले, ताकि वो एक उचित जगह पे जाकर के अपना उचित मार्गदर्शक लेकर के मार्गदर्शन के बीच में वो एक अच्छी नौकरी पा सके। आज हमारे बीच विनर्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अभय सत्याकी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके इंस्टीट्यूट में किन किन चीजों की तैयारियां होती हैं, किन किन चीजों की ये पढ़ाई होती है, और बच्चे किस प्रकार से पढ़कर आगे निकलते हैं, कुछ बनते हैं और अपने देश के लिए कुछ कर पाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। सर, जैसा कि हम आपके बारे में ये समझते हैं और ये जानते हैं कि आप ऑलरेडी एक बैंक में एक ऑफिसर के तौर पे आप जॉब करते थे, और एक हाई प्रोफाइल जॉब और एक अच्छी सैलरी आपकी रही होगी सर, उसके बावजूद आपने वो बैंक का जॉब छोड़ दिया, और उसके बाद फिर ट्यूशन इंस्टीट्यूशंस के बीच में आप कैसे आ गए सर? ये सफर कैसा रहा आपका? मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और बीसीएम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे ये मौका दिया कि मैं मेरी बात रख सकूँ। और जैसे मैं चाहता था कि क्या होता है, बहुत बार लोग प्रेजेंट पूछते हैं, तो इनफैक्ट लोग प्रेजेंट ही पूछते हैं, किसी ने आज तक हिस्ट्री नहीं पूछा है। तो शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, जैसे आपका पहला सवाल, तो ये जो सवाल है मैं विस्तार से अगर बताना भी चाहूंगा तो जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके लाइफ को चेंज करके रख देते हैं। जैसे अभी हुआ ये था कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग किया, कहाँ से, नागपुर से। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बाहर से आया हूँ, बट लक्ष्मण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, यहाँ से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया था। उसके बाद मैंने जो केमिकल इंडस्ट्री रिलेटेड कंपनीज के भी इंटरव्यूज दिए और साथ में बैंकिंग के भी एग्जामिनेशन की तैयारी जारी रखी। तब बैंकिंग क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि जिसमें सैलरी बहुत अच्छा हुआ करती थी और बहुत अच्छा एक जॉब प्रोफाइल था। तो मैंने क्या किया कि तब सबसे पहला एग्जाम और अच्छी तैयारी थी, सो दैट टाइम आई क्रैक्ड सम ऑफ एग्जामिनेशंस। और सबसे पहले जैसे फेडरल बैंक हो गया, देन आंध्रा बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारे मैंने एग्जामिनेशंस क्रैक किए। साथ में इंटरव्यूज से मेरा आंध्रा बैंक में सिलेक्शन हो गया, सो आई ज्वाइंट दैट बैंक एंड देन चला। तो फिर सर्विस होती रही, चालू रहा, उसके बाद शादी हुई, मैम मेरे लाइफ में आई, मृदुल मैम। सो मृदुल मैम वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, सो उन्हें पढ़ाया घर पर, बट उनकी खुद की एक मेहनत थी, हार्डवर्क था, डेडिकेशन था, जिससे उन्होंने अराउंड 32 एग्जामिनेशन उस टाइम क्रैक किए थे। सो होता क्या है कि जैसे पहले स्टार्टिंग में तीन चार एग्जाम वो भी फेल हुई, जैसे इंटरव्यूज में फेल हुई या कुछ सेक्शन में फेल हुई, लेकिन फिर क्रैक करती गई एग्जामिनेशन और ज्वाइन कर गई SBI PO। उन्होंने ज्वाइन किया, फर्स्ट 5 टॉपर्स में थी। सो मैम ने ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि सर, आपका जीवन का ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि आप शायद इससे बड़ी चीज के लिए बने हो। आप पूरा जीवन जीवन अगर पूरा बैंक में ही व्यतीत करोगे तो एक जो आप कैलिबर रखते हो, यू डिजर्व मोर, बेटर देन दिस, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर मैंने क्या किया कि रिजाइन किया। आई वॉज पोस्टेड एट शिरडी ब्रांच, शिरडी आप साई बाबा शिरडी आप जानते होंगे, तो मैं वहां से रिजाइन किया। मैम वहां तब पुणे में पोस्टेड थी। सो मैंने क्या किया कि कैट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना चालू किया। तो ढेर सारे जो भी पुणे में क्लासेस थे उनका एक सर्वे किया, उसमें IMS एकेडमी है, देन देन तक्षशिला एकेडमी है। सो मेरे गुरु है चंद्रा सर, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया और चंद्रा सर ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग करवाया। तो शुरुआत हुई, वहां कैट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। उस वक्त मुझे याद है कि एक श्वेता हाउसिंग सोसाइटी थी। पर्सनल मैं बोलता हूँ कि मैं उस सोसाइटी में, हमारा एक फोर्थ फ्लोर पे एक घर था और लिफ्ट नहीं थी, तो दैट टाइम एक सामने ही सामने के बिल्डिंग में एक कर्नल रहा करते थे। सो वो जो कर्नल थे, उन्होंने रिटायर्ड कर्नल थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन सलाह दी कि क्या आप हमारे तीन जो नेफ्यूज हैं उनको पढ़ाएंगे।
सो मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन उन्होंने बहुत फोर्स किया कि सर आप पढ़ ही रहे हो, अगर आप पढ़ाते भी हो तो उसका बहुत अच्छा असर होगा। ये कब की बात होगी सर ये? ये अराउंड 2010 के बीच की बात होगी। सो ऐसा था कि मेरी माँ भी टीचर थी, ग्रैंडफादर भी टीचर थे, और मैं टीचर नहीं बनना चाहता था क्योंकि मेरी वाइफ ने बोला था टीचर से शादी नहीं करना है। फिर तो मैं नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैडम ने बोला कि चलो करते हैं। सो फर्स्ट टाइम आइजैक, आराधना एंड एंथोनी, ऐसे तीन बच्चे थे ये। बेसिकली ये जबलपुर से थे, लेकिन वो वहां रहते थे उनके पास। फिर वो मेरे पास पढ़ने आए, तो मॉर्निंग मॉर्निंग में सेशन चालू हुआ। फिर 2 घंटे का सेशन मैं तीन तीन चार चार घंटा ले रहा था, क्योंकि पढ़ाना अच्छा लग रहा था। सो इट वॉज लाइक हॉबी। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े, उन्होंने अपने दोस्तों को लाया कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, नाम हुआ, तो धीरे धीरे 55 स्टूडेंट्स हो गए। सो ऐसा भी वक्त आया कि फिर आजू बाजू के जो लोग थे वो मेरे बारे में मुझे ही कंप्लेंट करने लग गए कि नेचुरली था कि सर इनके साइकिल रहते हैं, ये रहता है। फिर मैंने क्या रेसिडेंशियल किया कि सोसाइटी चलो, की हाँ, वजह से फिर आपको? मैं तैयारी मेरी चली रही थी कैट की, और मैंने फिर क्या किया कि उस सोसाइटी से, जैसे एक नवीपेट में, नवीपेट पुणे, यहाँ एक शिक्षक भवन करके एक वास्तु है जिसमें अवरली बेसिस पे रेंट पे हॉल मिलते, तो वहां पे ले लिया मैंने, लेके गया। फिर बैच को लेके गया, बड़ा अच्छा बैच चल रहा था। सो अराउंड 6 मंथ्स 8 मंथ्स के आफ्टर सीसैट, सीसैट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एमपीसी में डिक्लेयर हुआ। तो एमपीसी में जब डिक्लेयर हुआ तो तब ऐसा समय आया कि लोग जो थे तो पूरे महाराष्ट्र में ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल नहीं था। इट वाज मी फर्स्ट टाइम हु इंट्रोड्यूस, मींस आई वाज इंट्रोड्यूस फॉर दिस सब्जेक्ट, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस भी मेरे गुरु है रंजन कुड़म्बे सर, भगीरथ एकेडमी, तो बड़ा बड़ा सा क्लास है वो, उनका बड़ा नाम है सर का। उन्होंने उन्होंने मुझे बुलाया और सेमिनार लेने को लगाया बच्चों के आगे। सो अराउंड तब ऐसा डिसाइड हुआ था कि सीसैट इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सीसैट का कैसे था कि मराठी में भी पढ़ाना था, ग्रामर मराठी पैसेजेस और मैथ्स मराठी में पढ़ाना था। सो ऐसा टीचर थोड़ा अवेलेबल हो नहीं रहा था उनको। उस वक्त मेरी एंट्री हुई एमपीसी में, और वहां से सफर चालू हुआ। तब सर ने बोला था कि 50 बच्चों का एडमिशन होगा और अच्छा चलेगा। मैं भी सोच रहा था चलो 3 महीना बैच करते हैं, मेरे कैट के तब तक इंटरव्यू आ गए थे। सो 1 साल वैसे ही मैं कैट प्रिपेयर कर ही रहा था। सो इंटरव्यूज आ गए थे और मैं चल ही रहा था, एम के इंटरव्यूज चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो 3 महीना ये कर लेते हैं उसके बाद। बट हुआ ये कि 50 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, 800 बच्चों का, 850 बच्चों का एडमिशन हुआ। वो दौर ऐसा रहा कि नाम हो गया उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में, जहां जहां मैं सेमिनार ले सकता था, क्योंकि महाराष्ट्र में अकेला टीचर था। तो मैं तब याद है मुझे गोंदिया हो गया, देन बीड हो गया, देन राहुरी हो गया, अमरावती हो गया, अकोला एग्रीकल्चर कॉलेज हो गया। मैं हर जगह जाके सेमिनार दिया, कुकन में सेमिनार हुआ। सो हर जगह जाके मैं दिन भर पढ़ाता था, वापस सैटरडे संडे पढ़ा के फिर से वापस आके अपने बैचेस लेता था, और ये फ्री सेशंस थे सब बच्चों के लिए। इसी दौरान कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस फील्ड को कंटिन्यू करूं। जैसा पहला इंसिडेंस तो यह है कि एक बड़वन मस्के वॉज माई स्टूडेंट बेसिकली, तो वो मेरे से मिलने आए। स्पेशली एबल्ड चाइल्ड थे, जैसे उनका विकलांग थे, थोड़ा पैर से उनका प्रॉब्लम था, तो मिलने आए। उन्होंने बोला कि सर 4 साल हो गए मेरा इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन मैं हो नहीं रहा है मेरा, आप इसमें कुछ सहायता करेंगे? सो मैंने बोला कि देखो बेटा, ये हॉल है ना, वो हॉल मेरा रेंट पे है और आवरली बेसिस होता है, वहाँ इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो सकता है। तो सर ने क्या किया कि फिर उनको मैंने बोला, बड़वन को, कि आप घर आओ। लेकिन मेरा घर चौथे माले पे था और लिफ्ट नहीं थी, तो ये आदमी, ये लड़का, मेरा बच्चा ऊपर तक कैसे चढ़ते हुए आता था बड़ी मुश्किल से। लेकिन उसका डेडिकेशन, उसका जो अपना एक कहानी था कि वो कभी कभी भी उस चीज से, कभी उसने एक्सक्यूजेस नहीं दिया, डेली आता था। हम शाम के समय में 3 से 4 घंटा प्रिपेयर करते थे। सो फाइनली फाइनली उनका एक सिलेक्शन आया और मेरा भी उसी वक्त सिलेक्शन आया। सो मेरे 4 आयाम्स में सिलेक्शन हुए, लेकिन उनका जो सिलेक्शन आया उसका मेरे लिए बहुत महत्व था। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, इस पद पे उनका सिलेक्शन हुआ। सो अमॉन्ग द फर्स्ट 5 टॉपर्स में थे एमपीसी थ्रू, और मेरा बड़ा उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे, वो एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन मैं फिर भी असमंजस में था कि क्या मैंने ये करना चाहिए। फिर एक दिन मैं और मेरी वाइफ मार्केट गए थे, प्रगति बुक स्टॉल, तो वहां मैं कोई किताब खरीदने के लिए गया था। तो ऐसा हुआ कि एक दत्ता सर करके, दत्ता एक स्टूडेंट थे, मैं किताब ले रहा था, तो उन्होंने बोला कि अरे क्यों किताब ले रहा है भाई, एक बहुत अच्छा टीचर आया है पुणे में, बहुत अच्छा पढ़ाते, मैं भी उनकी तरफ क्लास लगाने वाला हूँ।
तो मैंने बोला कि कौन है ऐसे, तो बोले कोई अभय सर करके, मैं भी उनसे मिलने वाला अच्छा हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जी उन्होंने बोला कि ये टीचर से मिल लो, वो हर एक को पढ़ा सकते हैं। मैंने बोला अरे मैं तो बहुत ही बुद्धू हूँ इसमें। तो बोला कि नहीं, वो पढ़ा देंगे। उसका जो एक विश्वास था वो काम कर गया। इट वॉज लाइक इपिफैनिक मोमेंट, वो एक टर्निंग पॉइंट था कि जिसमें मैंने डिसीजन लिया कि ये चीज करना चाहिए। वाइफ से भी पूछा, मैडम बोली कि ये एक ऐसा फील्ड है जहां आप बीमार भी हो लेकिन स्टेज पे चढ़ जाते हो तो ठीक हो जाते हो। सो फिर इसको कंटिन्यू किया। पिछले 12 साल में जी हम लोगों ने, आज ऐसा मुकाम आया है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम किया है। पुणे में मिस ब्रांचेस है और पुणे में बहुत अच्छा चलता है। सो वहाँ अराउंड 15,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है जिसमें सात्विक की अभ्यासिका, मैंने मेरे नाम से अभ्यासिका है, जिसमें 800 स्टूडेंट्स डेली बैठते हैं और रीडिंग रूम है। उसके बाद स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पिछले 12 साल में 22,000 से ज्यादा बच्चों ने इस संस्था से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। 87% रिजल्ट है। सो जो लोग अपने, देखिए सब हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, स्टूडेंट्स का योगदान होता है। हाँ, सो ये फील्ड ज्वाइन करने के पीछे मैं वो स्टूडेंट को याद करता हूँ कि वो मोटिवेशन था बड़वान, ठीक है ना। सो आज तक मैंने उसे नहीं बोला, आपके चैनल से शायद उसे पता चल जाए लोगों के जरूर लिए जरूर। मोटिवेशन क्या होता है। टीचर्स होते, मेरे लिए स्टूडेंट रहा। यस सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये जैसे आपको कितने साल का अनुभव है टीचिंग का फिर? टीचिंग फील्ड में मैं ऐसा समझिए कि मैं 2010 से आगे कंटिन्यू किया और यहां तक तो अभी 2010 से अभी 12 साल समझिए। 12 साल में ऐसा मानिए कि लगभग 22,000 से अधिक बच्चे नौकरी पे हैं, हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन ऑफलाइन। 12-22 हजार से अधिक बच्चे मतलब अपने नौकरी पे हैं, वो है ना हाँ, जैसे ऐसा नहीं बोल सकते, जी। ऐसा होता है कि 87% रिजल्ट हम क्यों बोलते हैं। तो कुछ लोग जैसे बीच में अपने एफर्ट्स छोड़ दिए, छोड़ तो देते हैं, करेक्ट। कैसा होता है कि ये जो एफर्ट्स छोड़ने वाले बच्चे हैं ये फिर प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट या ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लगते ही कहीं ना कहीं वो लग हाँ जाते हो हैं, जाते है ना। जैसा जैसा आपने बताया कि पुणे में अच्छा सेटअप है, काफी बड़ा सेटअप आपने अभी बताया हमें, हाँ तो फिर पुणे से इतना अच्छा सेटअप होने के बाद फिर नागपुर आने का फिर ये क्या रीजन था इसके पीछे? नागपुर में भी आप सेटअप शुरू किए? देखिए कैसा होता है कि बड़ा अच्छा चलता है नागपुर में। मैं अगर आप पुणे जाएंगे ना सर, तो पुणे में एडवर्टाइजिंग कुछ कुछ करने का जरूरत नहीं। बच्चे अपने आप रिकमेंडेशन, जो सीनियर्स है वो अपने आने वाली पीढ़ियों को रिकमेंडेड करते हैं और बच्चे आराम से एडमिशन लेते हैं हमारे यहाँ। बड़ा अच्छा चलता है, कंप्यूटर लैब है, रीडिंग अभ्यासिका है, सब फैसिलिटीज है और अच्छे टीचर्स है, एक्स बैंकर्स है ऑलमोस्ट। जैसे मेरी वाइफ SBI PO थी, सो उन्होंने SBI में बहुत अच्छे पद पे काम किया, मैंने किया। फिर मेरे तरफ जो फैकल्टीज है ऑलमोस्ट बहुत सारे बैंकर्स थे। सो जैसे ओमकार बाबर, वो कैनरा बैंक पोस्टेड थे। देन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। सो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थ्रू आए हुए कुछ लोग थे। तो अब हुआ ये कि एक कार्यक्रम के दौरान ऐसी बात हुई कि प्रशांत सर मुझे याद है, IRS ऑफिसर, तो उनकी मुलाकात हुई मेरी और उन्होंने बोला कि सर आप जो पुणे में काम कर रहे हो, पुणे में जो सिटी में आप काम कर रहे हो वो हमारे नागपुर में नहीं है। अगर आप सच में नागपुर से आपने एजुकेशन लिया है लेकिन नागपुर में वो एटमोस्फियर, वो एक झील नहीं है कि वो चीज। जैसे आप पुणे में चलेंगे ना सर, अभ्यासिकाएं बनी हुई है, छोटे छोटे रूम्स में बच्चे रहते हैं और उसी एरिया में आपको अगर आप रास्ते पे भी खड़े रहे पेट में, तो आपको 150 बच्चे तो क्रॉस करके जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आप नागपुर में बता दो ऐसा, तो ऐसा नहीं था। फिर मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं गोंदिया में सेमिनार लिया था, लोगों को पता ही नहीं था कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता क्या है। फिर जब मैं नागपुर आया, लॉकडाउन के बाद मैं नागपुर आया, नागपुर में घर था, तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ हम लोग सर्वे किए एक, उस सर्वे में मैंने बहुत सारे क्लासेस का सर्वे किया कि क्या पढ़ाया जाता है एक्चुअली। तो बहुत सारे फेमस क्लासेस भी मेंस का कुछ नहीं पढ़ा रहते। देखिए पढ़ा होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, GDPI, ऐसा सब होता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, मेजर क्लासेस है। तो मैं उनको कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन कैसा होता है कि सिटी लाइफ में, जैसे पुणे जैसे सिटी में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी होती है वो यहाँ बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे, हम ये कोर्सेज चलाते हैं। देन बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे हो गया, देन आपका NTPC का तैयारी हो गया, फिर आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, देन मल्टीनेशनल कंपनीज की तैयारी हो गई, ठीक है ना, GDPI की तैयारी हो गई, देन आपका प्राइवेट सेक्टर के, सेमी गवर्नमेंट के, जैसे IDBI बैंक हो गया, HDFC हो गया, देन आपका
ऐसे ऐसे बैंक के रिक्रूटमेंट हो गए, सो आप समझिए सभी बैंक आरबीआई का सिलेक्शन हो गया, सो सिलेक्शन बहुत अच्छे दिए। आप पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे तो सेबी ग्रेड ए का सिलेक्शन, देन आरबीआई ग्रेड बी का सिलेक्शन, ये विनर इंस्टीट्यूट का अपना एक योगदान है। तो सर अभी इतने सारे बच्चे जॉब पे है, जैसे 22,000 से बच्चे थे जब आपने स्टार्ट किया, तब आपको कभी ऐसा लगा कि नागपुर में कोई ऐसे भी और भी चीजें हैं जो बच्चों को अच्छी सुविधा दे रहे हैं और उससे हमको आगे जाना है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन क्या उस समय ऐसा कोई था जिसको लगा कि इससे हमको आगे निकलना है? इंसान का कंपटीशन खुद के साथ होता है, आप समझिए। देखिए कैसा होता है कि मैंने नागपुर में इंस्टीट्यूट क्यों खोला, इट्स अ यूनिक प्रोग्राम। आप देखिए, आपने देखा होगा पूरे इंडिया में क्लासेस कैसे चलते हैं, पता है? कंप्यूटर एग्जामिनेशन के 2 घंटा 3 घंटा, इसके ऊपर क्लासेस नहीं होते। मैंने यहाँ नागपुर में आके एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया। क्यों ऐसा क्यों लॉन्च किया, उसके पीछे का भी कारण है। मैं भी गांवखेड़े से आया हूँ सर। हम गांवखेड़े से ना अकेले नहीं आते, अपने साथ 2-3 दोस्तों को लेके आते जी। जब हम खुद में चेंजेस लाने की कोशिश करते तो हमारा दोस्त क्या करता है, हमारे पैर खींचता है। जब हम अच्छी मराठी में बात करते तो बोलता है, अरे आपल्या गावचीच मराठी बोलली पाहिजे, तू का मोठा शाणा झाला। सो ये जो कहानी है वो बच्चे को इंग्लिश बाकी चीजों पे वो काम नहीं करने देते। सो आप समझे, एटमोस्फेयर की कम है, ये सबसे बड़ा रीजन है। मैंने यहाँ एक फुल डे 10 आवर्स का बैच चालू किया, पूरे इंडिया में कोई ऐसा बैच नहीं है। आप पता कीजिए 10 आवर्स में आप कितने देर का ब्रेक देते हैं? आप समझिए 9:30 चालू होता है, सो 9:30 से 5:30 आप समझिए रात को 9 से 11, इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। फिर दिन में ऑफलाइन, रात को क्लासरूम टीचिंग दिन में, और रात को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे को पूरा एटमोस्फेयर दिया जाता है, उस अलग अलग सब्जेक्ट्स की पूरी कहानी उससे करवा कर ली जाती है, टेस्ट लिए जाते हैं, पैटर्न्स लिए जाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब टेस्ट होते हैं, उससे पूरी चीजें छुड़ा कर लेते हैं, शॉर्टकट्स पढ़ाए जाते हैं। सो आप समझिए जो भी हमारे शॉर्टकट्स है, जो भी हमने आज तक अचीव किया है, उससे पूरा काम करवाया जाता है। ठीक है, तो उसका सिलेक्शन का जो है, चयन का जो रिक्वायरमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है। आप समझिए उसे स्पोकन इंग्लिश के लिए अलग से क्लास लगाने का जरूरत नहीं है, उसे टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना है, बस हमारे साथ जुड़ गए और वो काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, हम भी अब उसके साथ काम कर रहे हैं जी। और दूसरा चीज है कि इस एग्जामिनेशन का सबसे बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं है जी, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है, छुट्टियां ले रहे हैं, बीच में ही जा रहे हैं, तो रिजल्ट आना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को, इवन आप समझिए दिवाली में भी छुट्टी नहीं दी। कंसिस्टेंसी इज द की। अच्छा, पिछले 10-12 साल से आप इस फील्ड में हैं, 10-12 साल पहले कैसे स्टूडेंट थे, उनका डेडिकेशन कैसा था, अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं, उनका डेडिकेशन कैसा है? अच्छा, पिछले एक दशक में अगर हम बात करें तो कुछ चेंज आपने देखा है अपने लाइफ में, तो उस चेंज के बारे में बताएंगे, पहले और अभी के स्टूडेंट में क्या चेंजेस है? सर, मैं जब स्टूडेंट था ना, सोशल मीडिया, आप समझिए हमारे पास मोबाइल नहीं थे, ठीक है ना, एग्जामिनेशन के पैटर्न अलग थे जी, बच्चों के हाथ में इतना इजीली गूगल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब कहानी नहीं थी जी। आप समझिए आज बच्चे का कंसिस्टेंसी पे सबसे मारक ये चीज है। आप बच्चे को एक आप प्रस्तावना करते, तब तक वो उस प्रस्तावना को, अभी हमारा वीडियो चल रहा है ना अगर, तो आप समझिए कि तब तक वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सबको टच करके आएगा। और फिर एंड में मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा है ये उनका जो एक लिमिटेशन है, आप समझे, हम मैं डिस्ट्रैक्शन का कहानी, आप समझे डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है अभी, आप समझे कल की मेरे समय में क्या था। मैं अगर कुछ 4-5 पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूंगा तो मैं, याद है मुझे कि हमारे समय में सर इंटरव्यूज के लिए ना पूरा इंडिया में अलग अलग उनके हेड ऑफिस जाना पड़ता था बैंक वाइज। आज ऐसा नहीं है, आज आप, मैं समझिए, मैं पहला पेट्रोल बैंक का इंटरव्यू अलुआ केरला, एर्नाकुलम के बाजू में, फिर दूसरा इंटरव्यू मैंने दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे मुंबई, वहां अलग अलग जगह, कैनरा बैंक के लिए बैंगलोर गया। बट ये आज बच्चों के साथ नहीं हो रहा है, आज बच्चे बस पुणे जाते हैं, वहां इंटरव्यू देते, पुणे औरंगाबाद मिल जाता है सेंटर, बट ये ऐसा तब नहीं था। तो ये चेंजेस हुए। स्टूडेंट्स में क्या चेंजेस है? स्टूडेंट्स, आप देखिए पुराने समय में माँ बाप का एक डर होता था, माँ बाप भी ऐसे थे कि एक डर जो था कि पढ़ने के लिए माँ बाप का ना एक पार्टिसिपेशन था, ये आप समझिए। सो आज जो है डिस्ट्रैक्शन क्या है, हम सर जब स्टूडेंट थे ना, हमें घर से फोन आने के लिए 3-3 महीना 2-2 महीने में एक बार फोन आता था, समझिए। आज अगर मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कंप्लेंट किया कि सर मैंने, मेरे फैमिली का एक ग्रुप है सभी रिलेटिव्स का, उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा इंटरव्यू है, तो मेरे पापा मुझे डांट दिए। ओके हाँ, आप समझिए ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
देन दूसरा है, तो मैंने 10 आवर्स का बैच क्यों लिया? कंसिस्टेंसी, वो उस फील्ड से बाहर निकले, उन सबको छोड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करे, समझिए आप। दूसरा आप समझिए रिएक्शनरी नेचर। जब मैं स्टूडेंट था ना, तो चाणक्य मंडल के एक टीचर है, बड़े वो डायरेक्टर है, गुरु है हमारे, तो वो उनका नाम है अविनाश धर्माधिकारी सर। सो उन्होंने एक स्पीच दिया था, उनकी किताब में भी इसके बारे में आपको मिलेगा राइटअप में। तो उन्होंने लिखा था कि रिएक्शनरी नेचर, चीजें आपकी तरफ बढ़ेगी लेकिन आपने रिएक्शन कौन सी चीज पे देना है वो आपने सोच कर देना है। हर चीज पे तुनक कर जवाब मत दो, हर चीज पे रिएक्शन मत दो, चिढ़ो मत, डांटो मत, थोड़ा सा आप देखो कि क्या वो आपके भविष्य के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, सो तभी आप रिएक्शन दो। तो उस रिएक्शनरी नेचर पे काम करना बड़ा जरूरी है, और उस स्टूडेंट लाइफ में ये रिएक्शन देना, आज समझिए हमारे समय में लाइक देना, कमेंट करना ऐसा था ही नहीं, आज प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, बच्चा उठ के कुछ भी बोल देता है। सो ये जो कहानी है रिएक्शनरी नेचर, इसको जितना कंट्रोल करेंगे उतना सही होगा। अभी आप समझिए सर, शायद मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ सवाल पे। तो मैं मेरे गांव में था, तो एक पांठेला था जहाँ पे मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, मैं 12th स्टैंडर्ड में था। तो मैं छोटा सा मेरा वाक्य है, मेरी स्टोरी। तो मुझे बुलाया उन्होंने, और सर ने क्या किया कि एक मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, और गुटखा होता है ना, वो मुझे बोला कि चल खा के दिखा। तो मैंने लिया, चलो उम्र भी होती है, मैं खा के देखा। तभी एक टीचर है, उनका नाम भी लेता हूँ, शिंगाड़े सर, वो मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे। तो वो आए और उन्होंने बोला कि अभी वहां पे 8-10 उनके स्टूडेंट थे, लेकिन उन सब में मुझे ही बोला कि अबे इधर आ, और डांटा मुझे और बोला कि तू लाइफ में सब बड़ा बनना चाहता है ना, ये एक चीज मत कर, कभी नशा पानी मत कर, कभी ये चीज मत कर। तो मुझे गुस्सा आया कि इतने 8 बच्चे हैं, बाकी लोग खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं बोला, मुझे बोला, लेकिन मैंने रिएक्शन नहीं दिया, उनकी बात मान लिया, बड़ा होना है, ठीक है ना। सो आप समझिए कि वो टीचर ने मुझे तब डांटा, मैं उनके सब्जेक्ट में सदा टॉपर रहा, तब मुझे उनका गुस्सा भी था कि ये आदमी को तो मैं दिखा के दूंगा, तो मैं हर बार मुझे टोकते रहते हैं, ठीक है ना। आज इतने सालों बाद, मैं लास्ट ईयर की बात है कि लॉकडाउन में सब मास्क डाल के आते थे, और उन्होंने मेरा फोटो देखा इस पे बोर्ड पे, और अपनी बेटी को लेके आए, और अपनी बेटी को अलगुच उसको बोला कि हे पोरग, माज स्टूडेंट है, समझ में आया, यही आदमी तुझे पढ़ा सकता है, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, वो जो विश्वास है ना वो कमाया सर। उन्होंने अपने बेटी को ये बोला, मैं वो टीचर को देखते रह गया कि ये आदमी, मैं सोच रहा था कि मेरा गुस्सा करता है, लेकिन वो पर्सन कितना जी अपने बच्चों को इम्पोर्टेंट, अपने पास आपके पास भेजो। तो वो बड़ा जरूरी है, ये हमने कमाया, विश्वास कमाया, ये हमने उन टीचर्स ने जो दिया, वो रिस्पेक्ट जो कुछ भी है, वो आज जो आ रहा है, ये 12 साल की मेहनत है, इतने साल का जो दौर है, ठीक है ना। जी सो वो आना चाहिए जी। जैसा सर, पिछले एक एपिसोड में हमने आपके चैनल पे भी, सर पिछले एक एपिसोड में हमने आपके इंस्टीट्यूशन पे एक सवाल उठे थे, जिसको लेकर के एक एडवर्टाइजिंग की बात हुई थी, और बाद में उसको कुछ बदल दिया गया था, सफल होने की कुछ एडवर्टाइजमेंट थी जिसको हमने उस बारे में चर्चा भी किए थे हमने, और उसके बाद उसको बदल दिया गया। सर इस बारे में आपका क्या क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कैसे होता है, देखिए विनर इंस्टीट्यूट में ना डिपार्टमेंट्स है। अब मैं आपके सवाल का आंसर देना चाहता हूँ जी। जैसे जैसे देखिए डिपार्टमेंट एडवर्टाइजिंग, ये हमारा पूरा अपना निजी इशू है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होता है, सो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट चेंजेस करते रहेगा, सेम एडवर्टाइजमेंट नहीं रहेगा, लेकिन पॉलिसीज में चेंज नहीं होते हैं। आप समझिए कि ये जो 10 आवर्स का बैच है, इसे इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। मैं सभी आपके इस प्लेटफॉर्म से सभी स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको क्या समझाता है। आप समझिए कि आप 18 मंथ्स हमारे साथ बरकरार रहिए, जब भी आप इस पे भी आते हैं, आपके पेरेंट्स को भी मैं ये समझाना चाहता हूँ, 18 मंथ्स का दौर है, क्योंकि आप समझिए आपने बचपन से जो एजुकेशन लिया है, बचपन से जो एजुकेशन लिया है वो एजुकेशन बहुत मायने रखता है जी, बहुत मायने रखता है कि क्या आपने पहले से ये तैयारी की है, आप आपके पढ़ाई में कैसे थे, क्या आपको मींस पढ़े कितने आते हैं, बेसिक कितना अच्छा है जी, उसके ऊपर हम काम करते हैं जी। नहीं भी आता है, मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ आपके, देखिए किसी बच्चे का 3 महीने में भी सिलेक्शन होगा, किसी में किसी बच्चे का 18 महीने में भी होगा, तो ये डिपेंड किस पे करता है, आज की मेहनत और उसने बचपन से अब तक क्या क्या पढ़ा है उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है। आप समझिए कि एक अगर इंजीनियर है तो वो साइंस बैकग्राउंड का जो बच्चा है उसके लिए मैथ्स शायद थोड़ा सा आसान हो, लेकिन आप समझिए उसको इकोनॉमिक्स पढ़ने की आदत भी नहीं होगी, लेकिन एट द सेम टाइम कॉमर्स
कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है, आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है, उसको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए मैथ्स थोड़ा सा आप, क्योंकि कॉमर्स वाले को कैलकुलेटर की आदत है, इतना आसान होगा क्या उसे एकदम मेंटल कैलकुलेशन करने के लिए? नहीं। बट ये सब हम इसलिए टाइम लिमिट मान रहे हैं। अब आप समझिए गारंटी कैसा है जी। आप जिस दिन आपने हमारी तरफ एडमिशन कंफर्म हुआ, आपका बैच बैठा है जी। वहां से जिस दिन से आपका प्रेजेंटी चालू हुआ, डेमो बैच नहीं, डेमो बैच खत्म होने के बाद वहां से आपने चालू किया, शुरुआत की, 18 मंथ्स आप हमारे साथ पढ़े, ठीक है। इस दौरान वीकली एक छुट्टी दी आपको मैंने, ठीक है ना, आपके टेस्ट पैटर्न्स आपने पूरे अटेंड किए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेशन आपने बराबर अटेंड किए, आपका प्रेजेंटी पे आप पूरे रहे, ठीक है ना, और वीकली एक छुट्टी लिया आपने 18 मंथ्स में, और ये आपका 100% प्रेजेंटी रहा, और फिर भी आपका चयन नहीं हो पाया, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी उठाते हैं और आपका पूरा जो कुछ भी आपने फीस भरा है उसको फीस आपका वापस करते हैं, ठीक है ना। ये उस चीज का गारंटी था। क्यों अब आप बोलेंगे सर आप गारंटी कैसे ले सकते हैं? सर बदलाव एक आप समझिए, हमारे साथ रह के अगर हमारा बच्चा बदल नहीं पा रहा है ना, तो अगर उसमें बदलाव नहीं आ रहे, चेंजेस नहीं आ रहे, अच्छे चेंजेस नहीं आ रहे, अगर वो इन इस फील्ड में काम नहीं कर पा रहा है जी, तो गलत कौन हुआ? हम भी। टीचर, टीचर का मतलब क्या होता है आप समझिए। सर मैं पुराने समय का टीचर हूँ, कपड़ों पे मत जाइए, हाड़ाचा शिक्षक आहे मी, माझा मराठी, हमारे मराठी में क्या बोलते पता है क्या, कि हाड़ाचा शिक्षक आहे मी। इसका मतलब समझिए कि पुराने समय के टीचर्स कैसे योगदान रहता था उनका, कि कान पकड़ते थे, उसकी हर एक चीज पे कंट्रोल करते थे जी। आप समझिए 2010-11 में जो बच्चे चले गए, आज भी वो रिलेटेड है हमसे, उनकी हर एक चीज को कंट्रोल करते हैं हम लोग, वो प्रॉब्लम बताते हैं हम सॉल्यूशन देते हैं, वो शेयर करते हैं सर, उनका फैमिली प्रॉब्लम तक शेयर करते हैं आप समझिए, उनका बस वो बैंक में लग गए करके खत्म नहीं हुआ रिलेशन, आज उनका इंटरनल एग्जामिनेशन, GIB, CIB, जो भी इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं उसके ऊपर हम काम करने में मदद करते हैं, ताकि उनका प्रमोशन, ट्रांसफर, इस पे हम सहायता कर पाए, ठीक है ना, हमारी तरफ से जो जो बन पाता है उनके लिए करते हैं। अब जो बच्चा रिलेशन ही नहीं रखेगा तो वो तो फिर अभी नहीं हो पाता है। जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं सीनियर्स के, जैसे एक मैं आपको एक साथ सिंपल उदाहरण देता हूँ, कॉस्मस बैंक का एक बिल्डिंग बना है कहाँ, शिवाजी नगर पुणे, तो मैं मुझे इनवाइट किया गया तो मैं गया, मुझे लगा कि क्या ये ऐसा है, लेकिन ये पता चला कि 9 फ्लोर के बिल्डिंग पे हर एक फ्लोर पे विनर का बच्चा है, ऑफिसर, कैसा लगता होगा, कैसा लगता होगा आप समझिए, कैसा लगता होगा जब मैं देखता हूँ पलट के, अगर आप कुछ बच्चे हैं ना बहुत कैलिबर स्टूडेंट है जी, जैसे स्नेल वानेरे मैं इनका नाम लेता हूँ, ये बच्ची आई जस्ट बैठी हमारे साथ और हार्डली 4-5 months शी गॉड SBI PO, एक ही बैंक का एग्जाम दिया है, पहला एग्जाम मेरे साथ, उसने जो मेहनत की है, मैंने उसे 180 टर्म्स लिख कर दिया बैंकिंग रिलेटेड, वो सब हम लोगों ने इंटरव्यूज में कन्वर्ट किए, उसका GDPI हुआ और उसका फाइनल सिलेक्शन आया जी, आप समझे जी। अब इसमें किसी बैंक का रिलेशन नहीं है कि कोई बैंकर से रिलेशन कर ले और ये जोड़ दे, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है हमारे क्षेत्र में ना, ये सब कहानी नहीं है कि कोई बैंक के साथ गठबंधन है और जोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले लोग अलग है, परीक्षा लेने वाले लोग अलग है, आप समझिए, अलग अलग संस्थान है, IBPS अलग ही संस्थान है, देन संस्था है, उसके बाद इंटरव्यू लेने वाले अलग लॉबी है, फाइनल रिजल्ट वाले अलग लॉबी है, तो इसमें आप जोड़ ही नहीं सकते उनको। मैं ऐसे जाने कितने बच्चे दिखा देता हूँ कि SBI में AGM GM है और उनके बच्चे पास नहीं हो रहे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और होता है, बिल्कुल होता है। सो आप समझिए कि जो स्टूडेंट्स होके गए, अभी सिंपल उदाहरण है सुरेखा नलावड़े जी, ये एक ऐसी लड़की थी कि इनको ट्रक ने एक धड़क कुछ गलती से एक्सीडेंट हो गया, तो उनका पैर को हो गया तकलीफ, ठीक है, बट वो 40% से नीचे था, चल नहीं पाती थी, लेकिन 40% से नीचे, तो वो हैंडीकैप में भी नहीं आ सकती थी। सो वो जब लड़की मेरी तरफ एडमिशन लिया तो उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया था और बच्चा था छोटा सा, इस लड़की ने मेरे पास अपना फीस पे किया और मुझे बोला कि सर आप भी संभालिए, अभी मैं ये आप जो बोलोगे ना वो करूंगी। सर 2.5 साल मेरे साथ रही है बच्ची, क्योंकि उसके पहले एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ही वीक था, लातूर से थी बच्ची। सर आज अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे ना तो आपको दिखेगी लड़की और वो क्या बोलती है उसको सुनिए, ठीक है ना। सो आज वो नाबार्ड असिस्टेंट है, क्वार्टर दिया है नाबार्ड ने उनको बॉम्बे में, और बच्चा CBSE स्कूल में जाता है। सो हम इन बच्चों से जब मिलते हैं ना, सो देखकर हमें खुशी होती है, जो भी चीज की है सही की है। आज जब हम लोग देखते हैं कि कैसा होता है, कुछ बच्चे होते हैं जैसे
क्या होता है कि एक शेड़के मैडम करके वो लड़की थी हमारे पास, वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब वो इंट्रो को गई थी। तो शायद मैंने मृदुल मैडम को कमेंट भी किया था कि वो शायद नहीं लगेगी, लेकिन आप समझिए कि मैं खुद ऐसा शासन था उसके सिलेक्शन के बारे में, पर मृदुल का रोल है कि वो इंट्रो प्रिपेयर करके देती है, मेरा रोल है प्रीलिम्स मेंस, ठीक है ना। सो वो लड़की का सिलेक्शन हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ है, पोस्टेड इन पुणे ओनली, आप समझे, ठीक है। सो ये जो लोग हैं ना, मैं ढेर सारे ऐसे नाम ले सकता हूँ, उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन आपका भी समय जाएगा। जी हाँ, हमारा एक ही है कि हमें बस बच्चों को वो गाइडेंस देना है, वो सब कुछ समझाना है, सिखाना है कि वो उस जॉब के लिए प्रेरित हो जाए। आप समझिए, सबसे ज्यादा सिलेक्शन कौन से स्टेट से होते हैं? बिहार। बिहार राइट कब पोस्ट, कब वो तैयारी करते पता है आपको? वो तैयारी करते हैं 9th 8th 9th से ही शुरू चालू से ही कर शुरू देते हैं, करते नाइन हैं टेंथ से जी चालू कर देते हैं कि जी इस पद पे जाना है, आईएएस जी बनना है, बैंक में लगना है। लेकिन हमारा महाराष्ट्र, सर महाराष्ट्र में क्या है प्रॉब्लम? पीजी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद उसके तैयारी बाद चालू होती है, सोचेंगे क्या करना उसके है बाद सोचा जाता है। जी और माँ बाप सोचते हैं कि कुछ पैसा दे दिया, 3 महीने में रिजल्ट क्यों नहीं आया, 4 महीने में, 6 महीने में रिजल्ट क्यों नहीं आया? ऐसा नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। तो फिर जब अब कोई बच्चा अपने ग्रेजुएशन के बाद ये सोचता है कि उसे एमपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, किसी बैंक में जॉब करना है, जो भी है, अब आपके पास जो है 18 महीने का कोर्स है राइट, तो फिर 18 महीने में वो बच्चा पास करेगा या नहीं करेगा, फिर इसका सिलेक्शन आप किस बेस पे पहले करते हैं? शुरुआत में आप किसी किसी चीज को, बच्चे का कोई एग्जाम वगैरह लेते हैं जिससे आप ये सिलेक्ट कर सके कि हाँ ये 18 महीने में आपके पास बैठेगा, ये कुछ ना कुछ कर पाएगा सर देखिए, मैं जब स्टूडेंट था ना, मैं गांव से आया था, जी तो मैं नागपुर में ना एक एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा था। जी किस चीज के लिए? 11th 12th के लिए। जी तब यहाँ एक ऐसा क्राइटेरिया था कि इतने परसेंटेज हो, कुछ बड़े अच्छे कॉलेजेस थे, जी इतने परसेंटेज के ऊपर ही रहा तो हम एडमिशन देंगे, करेक्ट तो रिजल्ट तो आना है। लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं किया। और ये भेदभाव ना, क्या माँ बाप कभी अपने बच्चों में भेदभाव करते क्या? नहीं सर वो पेरेंट्स है ना, वो फर्स्ट लाइन पेरेंट्स है, हम सेकंड लाइन पेरेंट्स है, उन बच्चों के हम पेरेंट्स है। आप समझिए इस बात को कि मैं ऐसा कुछ टेस्ट लेने में यकीन नहीं रखता, मैं कभी लूंगा भी नहीं। जो बच्चा मेरी तरफ एडमिशन लिया है, जो ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, उसका ग्रेजुएशन, ऐसा नहीं है कि ओनली ग्रेजुएट है मेरे पास, अंडर ग्रेजुएट भी लोग हैं। होंगे यस हाँ, सो उनका कहानी क्या है कि जी जब तक वो पास नहीं होता है, जी फिर उसे 4 साल लगने दो, 5 साल लगने दो, हमारा कंसर्न है। अगर फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो उसका ग्रेजुएशन 3 साल बाद होगा। कुछ एग्जामिनेशन 12th बेसिस पे भी होती है, एसएससी जी सीएचएसएल। जी हाँ, सो बहुत सारी एग्जाम्स है ऐसे, होते तो हैं उनको हम लोग, एमटीएस है तो हम लोग उनको उन एग्जामिनेशन पे बैठाते हैं, जी लेकिन उनको जाने नहीं देते। बहुत लोग होते हैं कि हमारी बात मानते हैं। अभी मैं आपको कुछ लोगों का उदाहरण दूंगा कि उनको जॉब छोड़ने को लगाया हम लोगों ने, कि जैसे बना हुआ जॉब है, जैसे कैनरा बैंक में पोस्टेड थे जी बाबर सर, तो उनको मैंने क्या बोला कि चलो आप छोड़ दो जॉब को। जी और उनके फादर ने तक हमें डांटा कि सर क्या कर रहे हो, बच्चे को जॉब है अच्छा और आप छुड़वा रहे हो। कोई भी नहीं लेकिन उसका कैलिबर ही अलग था। अच्छा उनको बिठाया, उनको कैट का प्रिपेयर करने को लगाया। जी सर आई एम कोझिकोड से डिग्री हुआ है, जी आज आप लाखों में पैकेज है। ओके हाँ, सो ये पहले हो सकता था क्या? ये आप समझिए। तो वो सिलेक्शन हम पे रखते हैं कि किस बच्चे को क्या सलाह देना है। कभी कभी आपके पास में ऐसा होता होगा कि किसी बच्चे में टैलेंट तो है लेकिन हो सकता है कि वो आपकी फीस नहीं भर पाए, आपकी या किसी भी इंस्टीट्यूट की फीस ना भर पाए, लेकिन वो पढ़ने की चाह रखता है, कुछ करने की, कुछ बनने की चाह रखता है, लेकिन उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो फिर ऐसे में आप क्या करते हैं? अभी आप देखिए कैसा है, दो क्राइटेरिया है, या तो हमारी फीस पूरी पे करने वाले भी बच्चे हैं। जी अब आप हमारी तरफ देखेंगे ना सर, तो हमारी जी तरफ बच्चे किस टाइप से हैं जी कि बर्तन मांजने वाली पेरेंट है, जी क्योंकि उनके फादर की डेथ पेरेंट्स हुई कोरोना में ओके और बर्तन मांजती मम्मी, जी और उनकी बेटी हमारे तरफ पढ़ती है, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप सोचिए कि जैसे फीस एक जो क्राइटेरिया है, उससे बढ़कर कुछ चीजें होती है। अगर वो जी बच्चा सच में होशियार है, अगर वो बच्चा सच में प्रूव करता है कि वो जी लायक है, तो जी हम लोग क्या करते हैं उस चीज पे काम करते हैं कि चलो ठीक है, ये बच्चा अगर है तो उस, अभी फीस के लिए जो है ना, हम लोग एक बैंक का उनको प्रोवाइड भी करते हैं कि बैंक उनको क्या करती है कि उनको लोन लोन देती है देती है, तो ट्यूशन उस क्लास के लिए भी लोन ट्यूशन क्लास के लिए देती लोन देती है, और वो इजीली पे कर पाते हैं। है ओके फिर भी नहीं कर पाते हैं, हम उनको सहूलियत देते हैं कुछ चीजों में और कंसेशन भी देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इवन अगर आप देखेंगे तो यहाँ के बहुत सारे कार्यक्रम जो है, ठीक है ना, मीन्स गवर्नमेंट रन जो प्रोग्राम्स है, जी उनमें भी हमारे यहाँ फैकल्टी जाके पढ़ाते हैं। जी
तो उसका बेनिफिट होता है। सर नागपुर में आपके इंस्टीट्यूशन कब शुरू हुई? जस्ट 9-10 बैक, ऐसा आप समझिए कि ऐसा लेते हैं हम लोग, एक साल हो गया ठीक है ना, जब बैच चालू हुआ जुलाई में, जुलाई 2021 ठीक है ना, 21 हाँ। सो तब हम ऑफिस शुरुआत की लॉकडाउन के बाद, लेकिन तब भी लॉकडाउन सेकंड लॉकडाउन लग गया था, सेकंड या थर्ड लॉकडाउन लग गया था। तो तब ऐसा था कि अक्टूबर नवंबर में जैसे चालू हुआ तो जो बैचेस रन हो रही थी, सो जैसे हम लोगों ने ये संख्या बढ़ती गई, पहले इसमें तो मेरे गांव से ही बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, एक विश्वास होता है, तो फिर उन लोगों ने एडमिशन लिया और फिर बैचेस चालू रहे। तो एक बैच में 85 बच्चे होते हैं, जैसे आप देखिए अगर कंपेयर करते हैं, तो मैं अगर किसी और क्लास से अगर नागपुर में मैं कंपेयर करता हूँ, आप समझिए कि क्लासेस में क्या होता है, मैं नॉर्मली क्लासेस वालों के अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है कि 100 का बैच बैठा रहता है, तो डेली उसमें ये लोग क्या करते हैं, दूसरे क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, उसी में डेमो बिठाए जाते हैं, नया एडमिशन वाला बच्चा है। टीचर क्या करता है कि जो नया एडमिशन वाला है उसी के हिसाब से वो आसान आसान चीजें पढ़ाता है, फिर से वो एडमिशन हो जाते हैं, फिर उसका एडमिशन हो गया, फिर से दूसरे दिन। हमारे यहाँ ये नहीं होता है, हमारे यहाँ 50 का एक बैच बैठ गया, उनको सेपरेट एक हॉल दे दिया, फिर उनका पूरा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, 3 से 4 महीने का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, मीन्स उस बैच में नया डेमो नहीं बैठेगा, डेमो का हॉल ही अलग है। हाँ, उसमें तो इन बच्चों को जिनको हमने बैच दे दिया, उन बच्चों को डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, वो सब चीजें कर सकते हैं स्कूल में, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। तो बाकी क्लासेस में और हमारे साथ ये एक बड़ा अंतराल है। सर विनर इंस्टीट्यूट सोशल एक्टिविटी के लिए कोई कार्य करती है? सर कैसा है, अपने अपने मुंह से जी वो ढोल पिटना, अभी कैसे पॉलिटिक्स में तो जाना नहीं है ना, सो वो चीज नहीं करेंगे। तो ऐसा बहुत कुछ करते हैं जो मीन्स सिंपल सिंपल चीजें, पर्सनल लेवल पे भी अगर चीजें देखते हैं ना, तो आप समझिए कि जब कोरोना हुआ था जी, तो मैं कोरोना से ठीक हुआ, तो आप समझिए कि मैंने ब्लड प्लाज्मा तब यहाँ था, तो मैं ब्लड प्लाज्मा खुद भी दिया और बच्चों को भी सलाह दिया। उस वक्त अराउंड 42 स्टूडेंट्स हम लोग मिलकर ब्लड प्लाज्मा दिए। उसके बाद मेरी वाइफ मृदुल मैम, उन्होंने एक स्टूडेंट के पेरेंट को कैंसर हुआ था, तो बाल हो गई थी वो, तो मैम ने खुद बाल बढ़ा के वो बाल डोनेट किए एक ऐसी संस्था को जो फ्री में वीक बना के देती है। इस वजह से हमारे बहुत सारी लड़कियों ने क्लास के, उन्होंने भी ऐसे बाल डोनेट किए। ऐसे छोटे छोटे ही बता रहा हूँ मैं, इकोनॉमिकल कुछ नहीं बता रहा हूँ कि किसी को पैसा दिया किसी को, क्योंकि वो बताना सही नहीं है, आप समझिए, क्योंकि उसका नाम उछलना हो जाता है जी। क्योंकि मैंने देखा है लोग एक केला देते हैं पेशेंट को और उसका फोटो डालते हैं, ठीक है ना, मैं वो सब चीज पे यकीन नहीं करता हूँ, ठीक है। सो जो मैं करता हूँ उसमें से मैंने ऐसी चीजें बताई जो आपको मीन्स मेडिकल रिलेटेड बताई मैंने, बाकी अगर मैं 100 चीजें कर रहा हूँ तो 2 ही चीजें बताई ऐसे समझ। सर आगे चल करके आपके यानी कि विनर्स के क्या एम्बिशन है, क्या कुछ नई सोच है, क्या करना चाहते हैं? देखिए सर, इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट जो एम्बिशन है जी, मेरा एम्बिशन मैं चाहता हूं कि एक, जैसे जब मैं इस फील्ड में आया था, मैं और मेरी वाइफ ने ना इसके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए, वो सैक्रिफाइस गिनाना शायद गलत होगा, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो आज ये काउंट है स्टूडेंट्स का, ये मेरे रिटायरमेंट तक, आज मैं 42 इयर्स ओल्ड हूँ, 42-43 इयर्स ओल्ड हूँ, यहाँ से मैं हार्डली 10-12 साल काम करूंगा, 15 साल काम करूंगा, तो आप समझिए कि मैं इस दौरान 1,00,000 लोगों को जॉब पे लगते हुए देखना चाहता हूँ, विनर स्टूडेंट की बदौलत, ठीक है ना, और एक आदमी के पीछे पांच लोगों का जीवन यापन होता है, परिवार चलता है, सो अराउंड ऐसा समझिए कि 5,00,000 लोग जीवन यापन कर पाएंगे, सो ऐसा एक हमारा एम्बिशन है। और उसके बाद भी संस्था चलेगी, आप समझिए कि संस्था ना उसका कोई मालिक नहीं है, आप ये मत समझिए कि मैं मालिक हूँ, मेरे यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि वो हम सब लोग मिलके है, जैसे नागपुर ब्रांच में अराउंड 43 पर्सन है, पुणे ब्रांच में अराउंड 55 लोग है काम के लिए, तो ये जो लोग है पूरा स्टाफ मेंबर्स फैकल्टी मेंबर्स हर जगह वो अपना ऑर्गेनाइजेशन करके काम करते हैं, सो उसमें हम लोग ऐसा कभी नहीं करते कि ये मालिक है ये इसके अब्सेंस में काम नहीं करेंगे, ऐसा होगा तो मैं नहीं भी रहूंगा तब भी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी और सालों साल चलेगी। थैंक यू, मुझे लगता है कि काफी सवाल हमने इनसे पूछा है और जिनका सही सटीक जवाब हमें मिला भी होगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं थे, क्योंकि ये सवाल हो सकता है कि हमारे दर्शक
जो हमें देख रहे हैं उनमें से कई लोगों के मन के सवाल होंगे, जिसमें से कई सवाल हमने अभय सत्याकी जी से लिया है, पूछा है, और इसके बाद भी अगर किसी के कोई सवाल होते हैं जो छूट गए होंगे, तो मैं आशा करता हूं कि सर आगे भी अगर कुछ ऐसे सवाल होंगे तो आप जरूर हमें आएंगे और हमारे सवालों के जवाब देंगे, ताकि हम अपने दर्शकों को आगे भी आपके उस सवालों के जवाब हम दे पाएंगे। सर बिल्कुल सर, मैं सच में आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इवन मैं पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करें। जरूर जरूर, ठीक है ना। चलिए, जैसे देखिए, पेरेंट्स लोगों को मुझे ये बताना है कि आपके जो बच्चे हैं जी, उनको आप समझ कर चलिए जी। आपने फीस भरा करके पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं होता है, आपका भी एक दायित्व है। आप बच्चे को कहीं शादी में लेके चले गए, कहीं कुछ दूसरे चीज में आप लेके चले गए, ऐसा मत कीजिए। उसके लाइफ का, उसका 18 मंथ्स, उसको खुद का लाइफ का 18 मंथ्स उसको दे दीजिए। मत करिए ऐसा, आप नुकसान कर रहे हो उसका। समझ में आ रहा है? प्लीज, क्यों? क्योंकि क्या होता है, मैंने पेरेंट्स को देखा है। देखिए, पेरेंट्स भी है, कंप्लेन करने वाले भी पेरेंट्स है, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है। जैसे मैं अगर मैं नाम लेता हूँ, ठीक है ना, एक अधिकारी है, रेलवे ऑफिसर है, सुधाकर बाल पांडे सर, मैं इनका एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से देना चाहता हूँ। ये हर बार आते हैं, बात करते हैं, उनके बच्चे ने आज 4 एग्जाम्स निकाले हैं, प्रीलिम्स दिया है, मेंस दिया है, चल रहा है, वो इन प्रोसेस है, ठीक है ना। बट जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे तो सर बिल्कुल उसकी प्रोग्रेस से खुश नहीं थे। लेकिन जैसे वो पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन उसका रात में पढ़ने का था, सर ने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे के ही इस पद को प्राप्त किया है। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत डिस्कस किया, जागरूक पालक का अस्तो ते त्या व्यक्तिला पाहिल्यावर मला समजलं। इसका मतलब समझिए कि ये पेरेंट है ना, हर बार आते हैं, हम दोनों मिलके, हम एक टीम है, पेरेंट और एक टीचर एक टीम है और बच्चा एक टीम है, आप समझिए। तो हम उनको जो एक गाइड करते हैं, तो हर दिन सुधाकर सर हर दिन बच्चे को पूछते हैं, आज क्या हुआ, क्लास में क्या पढ़ाया, बता मुझे, खाना खाते हुए डिस्कशन होता है। अगर आप सहायता करना चाहते हैं अपने बच्चे की, तो हर दिन उसको पूछिए क्या हो रहा है। देखिए, मैं आप इसको अलग अंदाज में मत लीजिए कि आपको पैसा दिया तो आपने क्या किया, ऐसा मत बोलिए। आप समझिए, हम अपना रोल कर ही रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ शायद 10 आवर्स ही है, आपके साथ वो ज्यादा समय व्यतीत करता है, छुट्टी का समय भी आपके साथ ही रहता है। आप समझे इस बात को, उस दौरान उसको क्वेश्चनिंग पूछिए। असली पेरेंट्स जो, देखिए पेरेंट्स क्या होता है, पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे का मेंटेलिटी, उसे फेथ, विश्वास, एक फेथ होता है, आप रखिए बच्चे पे फेथ रखिए, हम टीचर्स पे फेथ रखिए, ठीक है ना। और उसके बाद पेशेंस, पेशेंस क्या कि उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसे छेड़ो मत, किसी रिश्तेदार को अलाउ मत करो उसको छेड़ने का कि मेरा बच्चा तो लग गया, तेरा क्या हुआ, ऐसा करो मत, उसका कॉन्फिडेंस लूज मत करिए प्लीज। नहीं तो आज वो, आप देखिए, वो ग्रेजुएट बच्चा आज नागपुर में निकलता है तो 10-12 हज़ार के ऊपर की नौकरी नहीं लगेगा, शायद हमारे साथ जुड़ा रहे कंटिन्यूसली तो 85,000 का सैलरी आएगा। गवर्नमेंट जॉब पे ये होता है सैलरी, प्लीज आप जानते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए, ज्ञानेश्वर परनाम का हमारा पास स्टूडेंट था, बहुत होशियार था, लेकिन नहीं लग रहा था। आखिर ऐसे ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे ऐसे बैंक ज्वाइन किया, ऐसे ऐसे बैंक में 3 साल निकालने के बाद IIFCL का अकेला सिलेक्शन है, विनर इंस्टीट्यूट का। IIFCL बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 1.5 लाख का पगार देती है, आप समझिए, वहां का सिलेक्शन आया उनका, उनका इंटरव्यू भी हमने कंडक्ट किया। सो ये जो चीजें हैं ना, आज जो आप छोटा मोटा समझ रहे हो जॉब को, शायद वो बड़ा हो जाए, बट उसके लिए कंसिस्टेंसी, डिवोशन, डेडिकेशन और आपका विश्वास, ये बड़ा मायने रखता है। प्लीज सभी पेरेंट्स से मेरी विनती है कि अपने बच्चों पे विश्वास जताइए और अच्छा काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे विनर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अभय सात्यकी सर। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।